वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू द अनदर डे। अच्छा जी, मैं अभी आई हूँ बाहर, कुछ कपड़े मुझे कलेक्ट करने थे टेलर से, तो उसके बाद जो है ना मैं जा रही हूँ स्टोर पे, बिकॉज हमारे घर पे है इफ्तारी। तो इफ्तारी में बेसिकली इफ्तारी है समीर के फ्रेंड्स की, तो जो है ना उसकी बहुत सारी हमें तैयारियाँ करनी हैं। तो अभी हम आए हैं बाहर और यहाँ से कुछ स्टोर से सामान वगैरह लेंगे, तो अभी चलते हैं स्टोर। दे बच्चे, तुम कहाँ आए हो? जी ओपा के प्राइस भी मिल गए, बटर ले लेते हैं। बेकरी आइटम्स लिए बगैर मैं तो घर जा नहीं सकती थी, यहाँ पे इतना ज्यादा रश है। हमारी ग्रोसरी हो गई है स्टोर में, इस कदर रश है कि बस पाँव रखने की भी जगह नहीं है। बाकी बस अब हम जा रहे हैं हुक्को की तरफ, वहाँ से हुक्को को लेंगे, फिर हम घर जाएंगे और इफ्तारी बनाएंगे। अच्छा जी, हम आ गए हैं अभी घर और अभी जो है ना हम ये डेट्स बनाने लगे हैं, आलमंड डेट्स। इस वक्त किचन में फुल हफड़ा दफड़ी का सीन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक तरफ हुक्को फ्राई करने लगी हुई है टेंडर्स, और एक तरफ ये फ्राई कर रही है, फ्राइज फ्राई कर रही है। और बाकी ये देखें, पूरा किचन जो है भरा पड़ा है चीज़ों से। ये जो है ना, ये शख्स अजलान को संभाल रहा है, बाकी सब कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे वसीक जो है ना, ये क्या निकाल रहे हो, दही भले निकाल रहा है, समोसे उसे निकाल रहे हैं। और उधर अम्मी का टाइम जो है बस 10 मिनट रह गए, और यहाँ पे अभी भी हम लेडीज़ जो हैं किचन में हैं, और गेस्ट आ चुके हैं सारे। और जो है ना हमारे मेन्यू में आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। हमारे मेन्यू में फ्राइज़ हैं आज, और ये रही फ्राइज़, और ये चिकन विकन जो है ना अभी ये सारा बनने वाला पड़ा हुआ है, और साथ में जो है ना नगेट्स वगैरह हैं वो सब बन रहे हैं। अभी इफ्तारी तो हो चुकी है और किचन में अब बन रही है बिरयानी, और वो बिरयानी बनानी है मेरी फूफो। बिरयानी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं, और वो फूफो बताएंगे कि वो किस तरह से बिरयानी बनी। इन्होंने पहले प्याज को जो है ना वो फ्राई कर लिया, फिर चिकन जो है वो साथ में डाल दिया। वो आपने इसमें क्या क्या डाला? इसमें मैंने अब प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर, अच्छा। अभी और थोड़ा सा नहीं आ रही वो बिरयानी मसाला डाला है, अब बाकी मसाले दूसरे डालने लगे। इमली भी डालनी है, तो इमली को इस तरह से अलग। ये बड़ी लेवल सी बिरयानी तैयार हो रही है, बड़ी मज़े की होगी यकीनन, और ये इसमें बाद में डलेगा। ये ग्रेवी हो रही है रेडी, दूसरी तरफ चिकन रेडी हो रहा है, फिर जो राइस है वो बॉईल करेंगे। ये देखें, ये एक और देग जो है ना ऊपर चढ़ा दी हमने, और ये इसमें अब प्याज वगैरह फ्राई करने लगे हैं राइस के लिए। अच्छा, ये अलग तरीके से बिरयानी बना रही है, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं पहले बनते हुए देखी। यहाँ बिरयानियाँ पक रही हैं, और यहाँ पर जो है ना हम लज़ानिया इंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या मिक्स कर दिया इसमें? मैंने बंद गोभी और पुदीना और थोड़ा सा चाट मसाला। ओके ओके, ये दम जब लगाऊंगी राइस के उसके ऊपर डालना है। मैं आपको इसमें पहले राइस ऐड करने से पहले बता दूं कि इसमें हमने क्या क्या पहले डाला है। पप्पो आप इसमें बताएं क्या क्या डाला है। इसमें मैंने प्याज का थोड़ा सा तड़का लगाया है, और उसके बाद मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा जीरा डाला और पानी ऐड कर। अच्छा अच्छा, और ऑयल भी ऐड किया, थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऑयल के साथ मैंने प्याज को। अब हमने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं, और आपने पानी कितना डाला ये भी बता दें। मतलब चावल थे उससे मतलब कम ही डाला है पानी, डबल ऐड करते हैं ना, लेकिन मैंने मतलब 20 ग्लास बनते थे लेकिन मैंने 16 डाले। अच्छा जी भाई, हमारी पूरी देख की तरह की बिरयानी बन रही है आज, कोई छोटी मोटी बिरयानी नहीं बन रही, बड़ी बन रही। चावल जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं, और बस दम के लिए ना, दम के लिए नहीं, अभी ये थोड़े से पक रहे हैं, थोड़े से पक रहे हैं अभी, मतलब थोड़ा सा अभी पानी है इसलिए फिर इसी में ये डालना थोड़ा सा। ओके ओके, ये जो टमाटर और ये ग्रीन चिलीज वगैरह थे ना, हमने इसी में ऐड कर दिए। अच्छा जी, अब हम लगाने लगे हैं दम, और ये है इसकी फर्स्ट लेयर। चिकन को जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे। जो है ना इसकी लास्ट लेयर लगाने के बाद हमने ऊपर ये पुदीना वगैरह डाल दिया है सब,
और ये फूड कलर ऐड कर रहे हैं अब हम। अच्छा जी ये देखें बड़ी लेवल सी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो गई है, धुएं निकल रहे हैं इसमें से और बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। आहा ये रही दही वाली बाइट लेते हैं हम साथ में, और साथ में ये थोड़ी सी मसाले वाली बाइट लेंगे। अच्छा जी बिरयानी इतनी लेवल इतनी मज़ेदार किस्म की बनी है ना, मैंने कभी नहीं खाई इससे पहले ये। द नेक्स्ट डे जी आज हम आए हैं अपनी नानों के घर पे, यहाँ पे है हमारी इफ्तारी। कल हमने इफ्तारी करवाई थी, आज हमें इनविटेशन आ गया। Hours later. जी आफ्टर इफ्तारी जो है ना इन्होंने बनाया हुआ पुलाव बड़ा मजेदार किस्म का, आज भी हमें चावल मिले। अच्छा जी हम आ गए घर वापस, और घर वापस आते ही कुछ गेस्ट जो हैं वो हमसे मिलने आ गए थे, बिकॉज़ हम उमरा पे जा रहे हैं तो वो गेस्ट जो हैं आना जाना चल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या लेके आए मैं आपको ये दिखाती हूँ। आहा बड़ी मज़ेदार किस्म की स्वीट्स हैं ये, बर्फ़ी मुझे बहुत पसंद है बट ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग क्योंकि जाने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, और मेरे गाउन्स मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी बट वो किसी रीज़न की वजह से मैं कलेक्ट नहीं कर सकी, तो आज मैं आपको अपने गाउन्स दिखाती हूँ और पैकिंग। ये फर्स्ट वन ये है गाउन एंड इसके स्लीव, दिस वन इज़ सेकेंड गाउन प्रिंटेड गाउन एंड इसके साथ है ब्लैक कलर का स्टॉलर। थर्ड गाउन सिंपल है बट आई लाइक इट, इसकी स्लीव्स इसके साथ ब्लैक स्टॉलर है एंड वाइट कैप है। लोगों की जो है ना पैकिंग स्टार्ट हो गई है, और जो है ना इस पे इसके अंदर पहले हमने पैकिंग की थी बट अब इधर से हम चीज़ें इधर से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्पेस कम पड़ गई है, तो उसकी स्पेस ज़रा अच्छी है तो हम चीज़ें जो है ना इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ओ जी इस व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। मीट यू टुमारो विद एन अदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।